हेलो ब्यूटीफुल, सो फाइनली वी आर 50,000 स्ट्रॉन्ग। हमारी फैमिली 50,000 तक पहुंच चुकी है। आई होप जल्दी हम हमारा फर्स्ट माइलस्टोन भी क्रॉस कर लें, विच इज़ 100K। पर आज मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो भी लोगों ने सब्सक्राइब किया। पर थोड़ी सी मुझे शिकायत भी है कि जितने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं देखती हूँ अपने एनालिटिक्स में कि वहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वहाँ से नहीं आते हैं, नॉन सब्सक्राइब्ड जो है वहाँ से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। सो अगर आप वीडियोस देखते हो और आपको अच्छा लगता है तो आई मस्ट रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है आप भी वीडियो देख लिया करो। ऐसा थोड़ी है कि सब्सक्राइब कर लिया और फिर आप भूल गए कि हाँ वीडियोज़ भी देखनी है। एंड आई थिंक अभी तो काफ़ी बेटर हो गया है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने फर्स्ट ईयर को इस ईयर से, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा, बहुत क्या मैं बोलूँ कि फर्स्ट ईयर तो मुझे खुद को पता है कि वो ऐसे ही था, मुझे नहीं पता वो मैं क्या करती थी, क्या बनाती थी। बट हाँ, धीरे धीरे हमने सीखा, समझा, आप लोगों की फीडबैक ली और उसके हिसाब से फिर हमने करना शुरू किया। अभी तो आई थिंक मेरा हमेशा से ना कोशिश ये रहती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट आपको क्वालिटी प्रोवाइड करूँ स्किन केयर का। और इसका तो यही होता है कि आप एक तो ऑनेस्ट रहो, दूसरा आप क्वालिटी अच्छी दो कि टेक्सचर आपको क्लियरली दिखे, है ना, लाइटिंग ठीक हो, डेमो जो आप दे रहे हो, बिफोर एंड आफ्टर जो आप दिखा रहे हो उसमें क्लिक बेट ना हो। बिकॉज इफ़ यू सी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो क्लिक बेट यूज़ करते हैं। मैंने कभी भी क्लिक बेट यूज़ नहीं करा कि हाँ दिखा कुछ रहे हो और अंदर कुछ और है। जैसे मोस्टली आप देखो जितने भी मिलियंस वाले हैं, व्हाट दे डू, एक तरफ काला चेहरा लगा देते हैं, एक तरफ गोरा चेहरा लगा देते हैं और बोलते हैं ओ दो दिन में गोरी चमकती स्किन पाएं, हाथ की टैनिंग एक बार में हटा दें। तो हमने ये सब चीज़ें कभी भी नहीं करी। तो मुझे लगता है कि वही सब चीज़ें हैं जो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना। हम जैसे जेन्युइन लोगों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई कि हमारी जो वीडियोज़ हैं इनकी रीच इतनी क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जितनी लोगों तक पहुंचनी चाहिए उतने लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई है जो स्किन केयर से रिलेटेड है तो आप उसके साथ भी वीडियो शेयर कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो। या कोई भी ऐसी वीडियो है जो आपको इन्फॉर्मेशन लगती है वो आगे आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, सो दैट यू नो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन आर कम्युनिटी। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप जो बेस्ट चीज़ कर सकते हो वो ये है कि आप जब एड्स चलती हैं तो उनको आप स्किप ना करें, क्योंकि जब आप स्किप कर देते हो तो जो कुछ कमीशन होती है वो बहुत कम मिलती है। तो हमारे पास जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो यूट्यूब का जो एड जो चलता है उसी से जो रेवेन्यू बनता है वही होता है। तो आप देखो बहुत सारे आप लोग इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट करते हो, तो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ना कि मैं हर महीने सोचो मैं 20-30 हज़ार के प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ आप लोगों के लिए और उनको टेस्ट करती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट है उसको लेके मैं पूरे साल एक ही प्रोडक्ट को आपको दिखाती रहती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई कि मैं न्यू लॉन्चेस कवर करूँ। आई ऑलवेज ट्राई कि जो भी हाइप्ड है, हाइप पे स्किन केयर चल रहा है उस पर आपको रिव्यू करके दूँ, ट्राई करके कि हाँ वर्थ है या नहीं है। और आपकी जो रिक्वेस्ट होती हैं जो मुझे लगता है कि हाँ दिस आई कैन ट्राई या हाँ ये ठीक है, मेरे बजट में है, मैं इसको कर सकती हूँ, उसको मैं ज़रूर करती हूँ। अगर आप फॉलो करते हो आपको पता है। बट हाँ कभी कभी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जो ड्राई स्किन के लिए है और वो बहुत महंगी है तो मैं नहीं उसकी तरफ जाती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बहुत बार ऐसी कोई चीज़ें रिक्वेस्ट पर ली हैं बट मुझे पता था कि मेरी स्किन पर सूट नहीं करेंगी, मैंने फिर भी ली क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, फिर वो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे दुख लगता है। इसलिए मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं इंटेंशनली इग्नोर करती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि वो मेरे पे सूट नहीं करेंगी। जैसे रेटिनॉल की आप रिक्वेस्ट करते हो, मैं भी रेटिनॉल पे नहीं हूँ तो मैं रेटिनॉल नहीं यूज़ कर सकती, ना ही उनके मैं आपको रिव्यूज़ दे सकती हूँ। तो ये चीज़ होती है। सेकेंड चीज़ आती है कि जो कोलैबोरेशंस होती हैं, ब्रांड कोलैबोरेशंस होती हैं, वो भी मैं सिर्फ वो लेती हूँ जिन जो मुझे पता है कि हाँ दीज प्रोडक्ट्स आर दी बेस्ट। और ऐसा नहीं है कि आपको सामने दिखता है कि हाँ नहीं ये भी पेड है, ये भी पेड है, अच्छा ये भी पेड है, बट आप ये नहीं देखते हो कि उसके बैक एंड पे मैंने कितनी चीज़ें उसी ब्रांड की मैंने कैंसिल आउट भी करी होती हैं। वो बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे नहीं अच्छे लगते और मैं नहीं बनाती हूँ। उसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैंने एक वीडियो पूरी कंप्लीट बन चुकी थी, डेमोज हो चुके थे, टेक्सचर शॉट हो चुके थे, बट मुझे अंदर से ना वो नहीं हो रहा था कि मुझे ये डालना है बिकॉज मेरा मन ही नहीं मान रहा था कि यार तीनों में सेम इंग्रेडिएंट्स हैं। एंड जो ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए है उसको आप बोल रहे हो कि हाँ ये ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, बट उसके अंदर भी आपने ऑयल्स डाले हुए हैं
तो आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, तो मैंने वो वीडियो डाला ही नहीं. टॉकिंग अबाउट द एक्वालॉजिका, उनके बॉडी क्रीम्स आई थी मेरे पास, अभी भी पड़ी हुई हैं. मैंने पूरा वीडियो शूट कर लिया था बट मैंने फिर उनको मैसेज करके मना कर दिया. मैं कहा यार मुझे कम्फर्टेबल नहीं लग रहा है और मैं अब इसको नहीं डालूंगी. वेयर एज आप देखो कि वो एक्वालॉजिका की जो वो क्रीम्स हैं, फेस कोल्ड क्रीम्स आई थिंक, और वो जो आप जिनको आप बहुत महान समझते हो कि हाँ वो तो भैया सिर्फ जेन्युइन कंटेंट डालते हैं, आप देखो उन्होंने वो वीडियोस डाले हैं. प्लीज़ ऐसे मत किया करो. आपको नहीं पता होता कि हम कितनी चीज़ें पीछे यू नो कैंसिल आउट करते हैं. क्योंकि मुझे नहीं कंफर्टेबल फील हो रहा था तो मैंने वो पोस्ट नहीं करी. तो मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम करूँ, और मैं करती भी सिर्फ उन्हीं ब्रांड्स के साथ काम हूँ जिनके प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी डर्मा को अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ आ रहे हैं तो आई लव टू वर्क विद देम. डॉक्टर शेड्स के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं तो आई लव टू वर्क विद देम. आयुगा के प्रोडक्ट्स कुछ एक ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, कुछ एक हैं जो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, तो दैट्स वाई आई वर्क विद देम ब्रांड. एक्वालॉजिका की आइडियोलॉजी हाइड्रेशन बेस्ड है तो वो ऑलमोस्ट सारे स्किन टाइप पर आराम से सूट कर जाते हैं, दैट्स वाई वर्क विद द ब्रांड. बट आई नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ब्रांड को भी यू नो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. जैसे एक्वालॉजिका फ्रेग्रेंसेस डाल देते हैं तो उनको फ्रेग्रेंसेस अवॉइड करनी चाहिए. कुछ एक में डालते हैं कुछ एक में नहीं डालते हैं तो या तो कम्प्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री हो जाएँ. ठीक है, इवन ममार्थ के साथ मैं काम नहीं करती हूँ बट मैंने उनके फिर भी प्रोडक्ट ट्राई आउट करे और मुझे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो उनके अच्छे लगे हैं. तो ऐसा नहीं है कि पूरा एक ब्रांड बेकार है या पूरे ब्रांड का यू नो अगर ब्रांड का नाम ख़राब है तो उसके प्रोडक्ट्स भी ख़राब होंगे, ऐसा नहीं होता है. जब तक आप कोई चीज़ टेस्ट नहीं करोगे तब तक आपको नहीं पता चलता है. देखो अगर आप किसी पे ट्रस्ट करते हो ना तो यू हैव टू ट्रस्ट देम फुली, है ना. तो ऐसा तो है नहीं कि सारा जो कॉन्टेंट है वो सारा स्पॉन्सर्ड होता है, कुछ एक स्पॉन्सर्ड होता है. मान के चलो 40% अगर स्पॉन्सर्ड है तो 60% आपको नॉन स्पॉन्सर्ड भी तो मिल रहा है. पर आप एक चीज़ समझो कि अगर हम स्पॉन्सर्ड कंटेंट नहीं लेंगे या वीडियोस नहीं बनाएंगे तो हम ये काम कैसे चलाएंगे. सो आई थिंक ये जो कमेंट्स आते हैं ना ये उन लोगों के होते होंगे जो रैंडमली ऐसे ही आ गए और जिनको दिख रहा है कि पेड है वो आके कमेंट कर देते हैं, या वो जो जलते होंगे वो करते होंगे. बट आई नो जो जेन्युइन है वो कभी भी ऐसी चीज़ नहीं बोलेंगे. सो वही जेन्युइन सब्सक्राइबर्स जो हैं उनके लिए है गिव अवे अनाउंसमेंट. और ये स्किन केयर से रिलेटेड गिव अवे नहीं होने वाला है, ये बाकी चीज़ों से रिलेटेड होने वाला है. जिन चीज़ों की आप इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये कलेक्शन दिखाओ अपनी वो कलेक्शन दिखाओ, वो सब अब हम इस हफ्ते करने वाले हैं. बिकॉज दिस इज़ अ माई बर्थडे मंथ. बर्थडे गिव अवे समझ लो या 50,000 सब्सक्राइबर वाला गिव अवे समझ लो, कुछ भी समझ लो. अभी जितनी भी वीडियोज़ आप आगे देखने वाले हो, बी माई हैंड बैग कलेक्शन, बी माई ज्वेलरी कलेक्शन, बी माई परफ्यूम कलेक्शन और माई लिपस्टिक कलेक्शन विच इज़ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, वो आने वाली हैं ये कलेक्शन वाली वीडियोस. और हर कलेक्शन वीडियो में एक गिव अवे होने वाला है जिसमें एक या दो आइटम्स मैं गिव अवे करूँगी फ्रॉम दैट लिस्ट. लिपस्टिक वाली में से लिपस्टिक्स गिव अवे होंगी, हैंडबैग वाली में से हैंडबैग गिव अवे होगा, ज्वेलरी वाली से ज्वेलरी गिव अवे होगी और परफ्यूम वाली से परफ्यूम गिव अवे होगा. उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैं उसी वीडियो में आपको बताऊंगी, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. बट वो उसी वीडियो से रिलेटेड होगा. हर गिव अवे में एक अलग क्वेश्चन होगा जिसका आपको आंसर करना होगा, वो मैं रूल्स आपको बता दूंगी. बट एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना कि ये सिर्फ पहला गिव अवे नहीं है. अभी स्किन केयर का गिव अवे भी मैं जल्दी करूंगी और जैसे जैसे जो जो माइलस्टोन हम क्रॉस करते जाएंगे उस पर और ज़्यादा बड़ा गिव अवे होने वाला है. तो ऐसा मत करना कि अगर किसी को नहीं मिला तो प्लीज़ बुरा मत मानना और आके फिर बुरी चीज़ें मत लिखना. आई नो मैं बहुत डरी हुई हूँ करने से पहले बिकॉज फिर लोग बहुत ज़्यादा कुछ बोलना शुरू कर देते हैं. तो अगर ये गिव अवे अच्छा गया तब मैं और गिव अवे करूँगी, अदरवाइज़ इसके बाद गिव अवेज बंद हो जाएंगे. बेशक अपने यहाँ शहर में कहीं जाके लोगों को बांट दूँगी बट मैं यहाँ पे गिव अवे नहीं करूँगी. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि यू डोंट नो व्हाट सिचुएशन आई एम करंटली और मैं कितना प्रेशर झेल सकती हूँ. बिकॉज देखो ये गिव अवे करने हैं, पैकिंग भी करनी होती है, कुरियर कराना होता है, उसका भी पैसा लगता है. इट्स अ वेरी हैक्टिक प्रोसेस. तो जब लोग आगे से कुछ बोलते हैं ना तो फिर वो बड़ा ऐसे ना इरिटेशन सी हो जाती है क्योंकि बंदा ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम में टेंशन में होता है और फिर इस तरह की चीज़ें दिखती हैं तो वो और यू नो डिप्रेशन क्रिएट करती हैं. सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. जो नहीं जीत पाएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. मान लो अगर मुझे 8 से 10 आइटम्स गिव अवे करनी है तो सिर्फ 10 ही विनर्स होंगे, उससे ज़्यादा विनर्स तो नहीं मैं दे सकती ना. अब 50,000 चीज़ें तो मैं नहीं गिव अवे कर सकती हूँ. बट हाँ
कोशिश करूँगी मैं जितना ज़्यादा मैं दे सकूँ वो मैं दूँगी, जितने ज़्यादा लोगों को मैं दे सकूँ उतना मैं कोशिश करूँगी। सो या कोई मेहनत अच्छी लगती है, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू। बाय बाय।